नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन से, जहां आज टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्राचीन खेल मलखम को चार अन्य खेलों के साथ इस बार डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया। आने वाले 7 और 8 अगस्त को मलखम का ओलंपिक में प्रदर्शन होगा। ये कहना था मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंधोलिया का, जो कि कुचामन दौरे पर हैं। कुचामन दौरे पर डॉक्टर रमेश सिंधोलिया का कुचामन के श्री कृष्ण मलखम व जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर में मलखम एसोसिएशन के नागौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर ओपी विश्व व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश चौधरी व सचिव बाबूलाल कमेडिया ने स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में डॉक्टर रमेश सिंधोलिया ने जापान ओलंपिक में मलखम खेल का सामान भेजने पर भारत सरकार व खेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्व के 40 देश में मलखम खेल को अपना चुका है। कुचामन से प्रमोद गोड की विशेष रिपोर्ट। जैसे ओलंपिक गेम है, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, सेम जो दर्जा उनको मिला हुआ है, सेम आज भारत सरकार ने इस मलखम को दिया है। ये पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने अभी पिछले 15 दिन पहले जापान टोक्यो ओलंपिक में होने वाले दल में हमारे भारतीय दल, वहाँ 22 कैंडिडेट्स का बच्चे और जो दल है वो वहाँ रिप्रेजेंट करने वाला है, और क्लोजिंग सेरेमनी से पहले मिड में हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। आज मेरे यूथ जो यहाँ आ रहे हैं, इस खेल में जुड़ रहे हैं, उनको रोजगार का एक शुभ अवसर भी इस खेल मलखम के द्वारा मिल रहा है। 2 से 10 बच्चों को 10,000 रुपये महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट इस मलखम के माध्यम से मिलने वाला है। और जहाँ तक सवाल है कि रोजगार का, हम लोगों का एक मिशन है, बाबूलाल जी मेरे छोटे भाई की तरह से बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत दिन रात दिन मेहनत करते हैं। यहाँ के यूथ इस मलखम के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा कि मलखम में आए या और खेलों को छोड़ दें, वो देखें आज सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे अच्छा खेल जिसमें मैक्सिमम रोजगार मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, एक बहुत जल्दी हम लोगों को नेशनल की तरफ और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल के साथ में रोजगार मिल सकता है। हमारे 2021 में ही नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है। अगर इस उसमें आवश्यक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर इन्होंने जिस तरह से जिम्नास्टिक में मेहनत कर रहे हैं, मलखम में मेहनत करेंगे, तो इनके वर्ल्ड चैंपियनशिप में आवश्यक रूप से इनका एक बेटा एक बेटी आवश्यक रूप से इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत जल्दी ही करने वाला है। इसके लिए पासपोर्ट वगैरह तैयार कर लें अपने बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को सब पासपोर्ट तैयार कर